हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कुहाड़ वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल लेग्स वार्मर बना कर लाई हूं आज मैं आपको ये लेग्स वार्मर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं फ्रेंड्स ये बनाने में बहुत ही आसान है इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं इस लेग्स वार्मर्स का जो साइज है वो मीडियम लार्ज और एक्सल साइज तक आराम से आ जाएगा जिसका साइज डबल एक्सल होगा यानी जिनकी हेल्थ डबल एक्सल के जितनी होगी उनके लिए हमें सिर्फ यहाँ पर फंदे ज़्यादा डालने होंगे बाकी की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगी तो ये देखिए इस लेग वार्मर्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वर्तमान कंपनी की ब्लू बेल ऊन ली है और इसे बनाने के लिए मैंने ये देखिएगा नौ और दस ये दो नंबर की सिलाइयाँ यूज की हैं तो ये देखिए नौ नंबर की सिलाई में यहाँ पर मैंने लिए हैं फिफ्टी टू यानि बावन फंदे और फंदे मैंने नॉर्मल डाले हैं और लूज हाथ से डाले हैं ये देखिए आपके फंदे डालने के बाद इस तरह से चलने चाहिए इतने लूज आप इसमें फंदे डाल लीजिए और अब इसमें हम बुनाई करने के लिए लेंगे दस नंबर की सिलाई तो फंदे आप नॉर्मल डालिए या डिजाइनर लेकिन आपके फंदे लूज होने चाहिए मीडियम लार्ज और एक्सल साइज के लिए आप इसमें 52 फंदे डालिए और अगर आप बना रहे हो डबल एक्सल साइज़ तो आप इसमें चार फंदे और डाल लीजिए यानी 56 फंदे से नीचे से शुरू कीजिए मेजरमेंट बिल्कुल सेम रहेगी अब देखिए फंदे हमने बिल्कुल लूज डाले हैं नौ नंबर की सिलाई में है और दस नंबर की सिलाई बुनने के लिए ली है अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से हमें इसी तरह से उल्टी उल्टी बुननी है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से दो सिलाइयाँ इसमें मैंने उल्टी उल्टी बुन ली हैं जब हम इस तरह से दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनते हैं तो ये जो हमारी किनारी होती है ना काफ़ी मजबूत बन जाती है अब इसमें हम देखिए ये वाला बॉर्डर बनाएंगे तो ये बॉर्डर है हमारा दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे का तो पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए एक और ये दो उल्टे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को बना दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स दो उल्टे और दो सीधे करते हुए लास्ट तक मैंने सिलाई को बुन लिया है अब आज ये उल्टी साइड पर जो फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए वो हमारे यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे जो इधर उल्टे वो इधर सीधे हो जाएंगे तो दोनों तरफ से हमारा बॉर्डर फिर एक जैसा बनेगा तो पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए यहाँ पर ये यह दोनों फंदे हमारे इस साइड पर सीधे थे तो उल्टी तरफ हमने उल्टे बुन लिए धागा पीछे अब ये दो फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे तो इस तरह से दो उल्टे और दो सीधे करते हुए हमने उल्टी साइड से भी सिलाई को बुन लिया है अब ये जो हमने दो सिलाइयाँ बनाई इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है तो देखिए ये अलग अलग आपको दिखने शुरू हो गए हैं सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते जाना है और ये हमने लगभग दो इंच का बॉर्डर बनाया है तो जितना बॉर्डर हमने इसमें बनाया है सेम इतनी ही लेंथ बॉर्डर की मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर इसमें हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे और फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे तो मैं बॉर्डर की लेंथ अब ऐसे ही बना देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स बॉर्डर की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है बॉर्डर मैंने यहाँ पर दो इंच से दो पॉइंट ज़्यादा बनाया है ये देखिए दो इंच से ये दो पॉइंट हमारे ऊपर है तो बॉर्डर की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकती हैं बॉर्डर बनाने के बाद अब इसमें हम अपना डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें दो बेसिक रो बनानी है उन सिलाइयों को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और यहाँ पर देखिए अब मैंने अपनी वापस नौ नंबर की सिलाई ले ली है नौ नंबर की सिलाई है और यहाँ से हम एक फंदा इसमें बढ़ाएंगे तो यहाँ नीचे से एक लोप उठाएंगे और यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ा देंगे उसके बाद देखिएगा यहाँ से हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे ये एक फंदा जो बढ़ाया ये स्टिच में हो जाएगा उसके बाद एक और ये दो फंदे उल्टे धागा पीछे और एक फंदा सीधा इस फंदे के बाद हमने दो उल्टे और एक सीधा बनाया इसी डिजाइन को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे ये देखिएगा दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा दो उल्टे और एक सीधा ऐसे करते हुए हम लास्ट तक सिलाई को बनाएंगे हमें एक फंदा यहाँ कोने पर भी बढ़ाना है तो ये देखिए लास्ट तक हमने सिलाई को बना लिया है दो उल्टे एक सीधा दो उल्टे एक सीधा तो यहाँ पर भी दो उल्टे एक सीधा आ गया है ये एक फंदा बच गया इसको हम उल्टा बुन लेंगे अब यहाँ से भी हमें एक फंदा बढ़ाना है तो नीचे वाली साइड से आप यहाँ पर एक लुप उठाइए और इसका एक फंदा आप बुन दीजिए तो जो हमें डिजाइन के लिए बेसिक रो बनानी है वो हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर जो इधर उल्टे बनाए वो इधर सीधे जो इधर सीधा वो इधर उल्टा तो अब हम इसकी उल्टी साइड की सिलाई को बुनेंगे वैसे ये जो डिजाइन हमने बनाया है किसी भी प्रोजेक्ट पर डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए हमें तीन के मल्टीपल प्लस दो फंदे लेने होते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीन के मल्टीपल करके तीन ही फंदे एक्स्ट्रा थे इस वजह से हमारे यहाँ पर दो फंदे उल्टे आए हैं तो अब उल्टी साइड से जब हम बुनेंगे तो देखिए पहला फंदा हमारा हो गया एडजस्टीज अब ये जो फंदा है इस साइड पर हमारा उल्टा बुना गया तो धागा पीछे करके इस फंदे को हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये वाला जो फंदा है ये सीधी साइड पर हमारा सीधा है तो उल्टी तरफ हमारा उल्टा अब धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दो सीधे और एक उल्टा ऐसे करते हुए हमारी ये बेसिक रो जो हम बना रहे दूसरी सिलाई बनानी है तो ये देखिए अब आ गई हम यहाँ लास्ट में ये हमारे दो सीधे एक उल्टा आ गया अब ये जो तीन फंदे बचे हैं देखिए ये दो सीधे हैं और जो हमारा एजस्टिज है इसको हम उल्टा बुन लेंगे तो ये जो हमने दो सिलाइयाँ बनाई हैं ये सिर्फ बेसिक रो हैं इन सिलाइयों को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे ये सिर्फ डिजाइन को बनाने से पहले ही हमें दो सिलाइयाँ बुननी होती हैं अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे ये डिजाइन चार सिलाइयों का है आठ सिलाइयों में कंप्लीट होता है तो अब देखिए कैसे करेंगे डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी साइड पर पहला फंदा एजस्टी छाई से उतारिए या उल्टा बनाइए अब ये जो दो उल्टे हैं इसमें से हम एक फंदा उल्टा, उल्टा बुनेंगे धागा हम पीछे करेंगे अब ये जो सीधा फंदा है ये हमें आगे लाकर बुनना है और ये उल्टा इधर लेकर जाएंगे तो उल्टे को छोड़कर आगे की साइड से सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे उल्टा फंदा है तो हमें इसको उल्टा ही बुनना है जो सीधा उसको सीधा ही बुनना है अब ये एक फंदा हमने उल्टा बुना फिर एक फंदा और बुन देंगे अब ये देखिएगा ये स्टार्टिंग के दो फंदे हमने छोड़ दिए और जो तीन फंदे का डिज़ाइन बना इसी को अब हम बार बार रिपीट करेंगे फिर से देखिए धागा पीछे करेंगे इस उल्टे फंदे को छोड़कर सीधे फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे इसको हम सीधा बुनेंगे धागा वापस अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और उतार देंगे अब एक फंदा हम और उल्टा बुनेंगे तो देखिए हमारा तीन ही फंदे का डिजाइन हो गया है एक सीधा और दो उल्टे फिर धागा पीछे कीजिए एक बार फिर से देखिए इस उल्टे फंदे को छोड़िए ये जो सीधा है इसमें आगे से सिलाई डालकर इसको ऐसे सीधा बनाइए धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को अब हम उल्टा बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे फिर एक फंदा उल्टा तीन फंदे का डिजाइन हो गया एक बार फिर आप डिजाइन को ध्यान से देख लीजिए पूरी सिलाई ऐसे ही बनाते जाना है इस उल्टे फंदे को छोड़ के सीधे फंदे में ऐसे आगे से सिलाई डालिए इसको आप ऐसे सीधा बुन लीजिए फिर धागा अपनी तरफ कीजिए इस फंदे को आप उल्टा बुनिए थोड़ा सा हल्के लूज हाथ से इस डिज़ाइन में आप बुनाई कीजिए तो आपका बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा धागे को ज़्यादा खींच कर मत रखिएगा तो देखिए एक सीधा हो गया दो उल्टे हो गए फिर से आपने ऐसे ही करना है धागा पीछे की तरफ करना है उल्टे फंदे को छोड़कर अगले सीधे फंदे में आप आगे से सिलाई डालकर इसको सीधा बुन लीजिए फंदे को हल्का सा लूज छोड़िए धागा अपनी तरफ कर लीजिए अब इस उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनिए और दोनों को एक साथ उतार दीजिए फिर एक फंदा उल्टा तो ऐसे करते हुए लास्ट तक हम सिलाई को बुन लेंगे तो ये देखिए लास्ट तक हमने सिलाई को बुन लिया है अब यहाँ पर हमारे देखिए तीन फंदे उल्टे आ गए हैं क्योंकि ये फंदा इधर आ गया तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई अब आ जाइए दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर उल्टी साइड से आपको हर बार वही करना है जो इधर आपके सीधे हैं वो इधर उल्टे हो जाएंगे जो इधर उल्टे होंगे वो इधर सीधे हो जाएंगे तो देखिए पहला फंदा हमारा एजस्टिच है अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए एक और ये दो फंदे हमारे सीधे आ गए धागा अपनी तरफ करेंगे उल्टा फंदा आपको बिल्कुल अलग ही नजर आएगा ये एक उल्टा हो गया धागा पीछे दो सीधे और एक उल्टा तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए आप डिजाइन की दूसरी सिलाई बना दीजिए तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए दूसरी सिलाई हमने बना ली अब आज ये तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई पर तीसरी सिलाई इसकी पहली सिलाई के जैसे ही बनेगी अब देखिए पहला फंदा इसका एजस्टीज है अब हम धागे को पीछे करेंगे इस उल्टे फंदे को छोड़कर इस सीधे फंदे में हम आगे से सिलाई डाल लेंगे इसको सीधा बुनेंगे फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे अब इस उल्टे वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे फिर एक फंदा उल्टा एजस्टीज के बाद ये हमारा तीन फंदे का डिज़ाइन इसी को बार बार रिपीट करना है धागा पीछे करेंगे उल्टे फंदे को छोड़कर आगे से सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे फिर हम अपने धागे को अपनी तरफ कर लेंगे इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर नेक्स्ट फंदे को भी उल्टा बुन देंगे तो फिर तीन फंदे का डिजाइन हो गया एक बार और देख लीजिए धागा हम पीछे करेंगे उल्टे फंदे को छोड़कर आगे से सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे इसे हम सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ अब इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे फिर एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए तो ये देखिए इस तरह से मैंने लास्ट तक सिलाई को बना लिया तो हमारी ये लाइन इस तरह से तिरछी जाएंगी अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर उल्टी साइड और हमारी डिजाइन की चौथी सिलाई सीधे पर आपने सीधा बनाना है और उल्टे पर उल्टा एजस्टिज के बाद यहाँ पर हमारे एक दो और तीन फंदे स्टार्टिंग में सीधे आ चुके हैं उसके बाद एक उल्टा है दो सीधे हैं ऐसे करते हुए फोर्थ सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स डिजाइन की चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं अब हम यहाँ एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे और एक इधर बढ़ाएंगे और ये जो हमारे डिजाइन की चार सिलाइयाँ हैं बनानी हमें यही चार सिलाइयाँ हैं लेकिन डिजाइन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी पहले हमारा इधर डिजाइन गया अब हमारा इधर जाएगा तो देखिए पहले हम यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे यहाँ कोने पर नीचे से लुप उठाकर एक फंदा आप बढ़ा दीजिए उसके बाद ये जो नेक्स्ट फंदा है इसे भी आप उल्टा ही बुन लीजिए अब धागा आपका अपनी तरफ ही रहे इस सीधे फंदे को छोड़कर उल्टी साइड से हम उल्टे फंदे में सिलाई डालेंगे सीधे को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर डाल देंगे उल्टे को हम आगे लाएंगे और इसको हम यहाँ उल्टा ही बुन देंगे फिर धागा पीछे करेंगे इस सीधे फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए एक फंदा ये जो हमारा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे ठीक है अब ये जो सीधा है इसे छोड़कर ये जो उल्टा है इसमें बैक साइड से हम सिलाई डालेंगे इस सीधे को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर डालेंगे इस वाले फंदे को हम आगे कर देंगे और इसे भी उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके एक फंदा सीधा तो देखिए वही हमारा तीन तीन फंदे का डिजाइन हो गया है दो उल्टे एक सीधा फिर से ध्यान से देखिए धागा अपनी तरफ कर लीजिए एक फंदा हम ये उल्टा बुनेंगे अब इस सीधे को छोड़कर ये जो उल्टा है इसमें बैक साइड से सिलाई डालेंगे सीधे को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर कर देंगे इसको पीछे से लाएंगे और आगे डाल देंगे उल्टा बुन लिया फिर धागा पीछे करके ये एक फंदा सीधा फिर से इसी डिजाइन को बनाना है ध्यान से देखिए एक फंदा उल्टा इस सीधे को छोड़कर बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डालिए सीधे को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर कीजिए इसको आगे ले आइए और एक फंदा ये उल्टा धागा पीछे अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसे करते हुए लास्ट तक आप सिलाई को बनाइए एक फंदा हमें यहाँ पर भी बढ़ाना है तो ये देखिए पांचवी सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है यहाँ पर डिजाइन बनाने के बाद एक दो और ये तीन फंदे यहाँ उल्टे आए हैं इस फंदे के नीचे से लास्ट में बिल्कुल लास्ट में हमें यहाँ नीचे से लूप उठा लेनी है और इसको ऐसे सिलाई पर लाकर हम एक फंदा बढ़ा देंगे तो पांच सिलाइयों के बाद हमने दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया है छठी सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदा आपको जैसा दिखाई दे वैसा बनाना है देखिए पहला फंदा एजस्टिच हो गया धागा पीछे करेंगे एक दो तीन तीन फंदे यहां एजस्टिच के बाद सीधे आ गए फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा दो सीधे ऐसे करते हुए छठी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए डिजाइन की छठी सिलाई कंप्लीट हो गई सातवीं सिलाई सीधी साइड पर सातवीं सिलाई पर देखिए पहला फंदा हमारा ये इस तरह से स्टिच हो गया और उसके बाद फिर हम ये दो फंदे और उल्टे बुनेंगे अब इस सीधे फंदे को छोड़कर इस उल्टे फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे सीधे को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर ले लेंगे और इसको हम आगे कर देंगे ये एक फंदा उल्टा हो गया फिर धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे फिर से धागा अपनी तरफ कर लेंगे एक उल्टा और इस फंदे को सीधे वाले को छोड़कर बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डालेंगे सीधे वाले को फ्रंट वाली सिलाई पर ले लेंगे और इसे बैक साइड से हम आगे कर देंगे ये भी फंदा उल्टा हो गया और धागा पीछे इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे यही तीन तीन फंदे का डिजाइन बनाते हुए सिलाई को लास्ट तक कंप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स सातवीं सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई अब आठवीं सिलाई पर जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे वैसे ही बना दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स आठ सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं अब हमें इन्हीं आठ आठ सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है और दोनों साइड से हम चार से पाँच सिलाइयों के बाद एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने जो फंदे किए हैं वो 82 फंदे किए हैं तो जैसे मीडियम लार्ज और एक्सल साइज के लिए आप बना रहे हो तो यहाँ तक हमारे एटी टू फंदे काफ़ी हैं और अगर आप इसमें डबल एक्सल साइज के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर आपके नब्बे फंदे हो जाएं तो काफ़ी हो जाएंगे ठीक है ये तो हो गया फंदे का अब डिजाइन कैसे एडजस्ट करोगे ये भी मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ ये देखिएगा जैसे कि अब हमारा जो डिजाइन जाएगा डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगी ये वाला देखो इधर से ये ये तीन फंदे बनाने के बाद इन दो फंदे पर डिजाइन बनेगा जब आपको लगे कि यहाँ हमारे फंदे हो गए हैं और यहाँ इस फंदे के और इस फंदे के बीच में दो फंदे गैप आकर एक सीधा और दो फंदे और इधर बच जाए तो आपका एक डिजाइन और शुरू हो जाएगा काफ़ी आसान है ये डिजाइन एडजस्ट करना इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इधर से भी जैसे हमारा डिजाइन इधर आएगा दो फंदे के बाद एक सीधा और दो उधर बचे इतने फंदे जब हो जाएंगे तो एक डिजाइन हमारा इधर से और चालू हो जाएगा यही होगा कि एक सीधा और दो उल्टे का इधर यहाँ पर हमारा सेट बन जाए इतने फंदे हमारे बढ़ जाएंगे तब हमारा एक डिजाइन और यहाँ से शुरू हो जाएगा तो बार बार ऐसे ही जब हमारा डिजाइन इसमें सेट होता जाएगा तो जब आप सिलाई करोगे तो देखिए पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से इसमें सिलाई हुई है क्योंकि डिजाइन साथ के साथ बनता चला जाएगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिजाइन नहीं बना सकते हो सेट नहीं कर सकते हो तो बड़े हुए फंदों को आप सीधा सीधा भी बुन सकते हो दोनों साइड पर बाकी आप जब इसको बनाओगे तो बनाते टाइम इस डिजाइन को एडजस्ट करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा जैसे ही आपको एक डिजाइन के बाद दूसरे डिजाइन के फंदे यहाँ पर पूरे हो जाएं, दो के बाद एक सीधा फिर इधर दो तीन उल्टे तो एक डिजाइन और आपका शुरू हो जाएगा डायरेक्शन में चाहे इस वाली में डिजाइन सेट करो या इस वाली में कोई अंतर नहीं पड़ेगा अब हमें इसकी जो है लेंथ बनानी है लेंथ हम बनाएंगे हाइट के अनुसार क्योंकि सबकी हाइट एक जैसी नहीं होती है ये जो मैंने बनाई है लेंथ वो तो देखिएगा यहाँ पर मैंने पंद्रह इंच बनाया है इसको लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी इसे पंद्रह ही इंच बनाओ आपको अपनी हाइट के अनुसार नाप लेना है नाप लेना मैं आपको बताती हूँ ये देखिएगा जैसे कि मान लें ये है आपका पैर और पैर पे ये वाला जो हमारा घुटने का हिस्सा होता है देखिए यहाँ का इतने हिस्से में हमारा ये वाला पार्ट बनेगा ये वाला तो इस हिस्से तक का आपने नाप रखना है यहाँ तक का आप अपना इंची टेप लीजिए और ऐसे नाप लीजिए यहाँ से फिर नीचे तक जितनी आपकी लेंथ हो उतनी लेंथ आपने ये वाली बना लेनी है फंदे बनाएंगे हम हेल्थ के अकॉर्डिंग और लेंथ बनाएंगे हम हाइट के अनुसार तो हाइट के अनुसार आप अपनी लेंथ कम ज़्यादा कीजिएगा फंदे मैंने आपको बताया है उतने ही आपने बनाने हैं तो ऐसे ही अब आप इसमें हर चार से पाँच सिलाइयों के बाद फंदे बढ़ाते जाइए फंदे बढ़ते जाएंगे डिजाइन की दो सिलाइयों आपका एडजस्ट होता जाएगा मैं यहाँ तक की लेंथ बना लेती हूँ 82 फंदे मैं यहाँ पर इसके करूँगी फिर मैं आपको ये वाला पार्ट इसका बुनना बताती हूँ तो आप भी इसी तरह से यहाँ तक बुन लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी ये लेंथ कंप्लीट कर ली है अब हम इसका ये जो इसका घुटने का ये वाला पार्ट है ये बनाएंगे तो ये बनाने के लिए ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पर हैं एटी टू यानी बयासी फंदे ऐटी टू में से हम बारह फंदे इसके बीच के रखेंगे पैंतीस इधर हो जाएंगे और पैंतीस फंदे इधर हो जाएंगे अगर आप जैसे डबल एक्सल साइज के लिए बना रहे हो तो आपके जो भी फंदे होंगे उसके बारह फंदे आप बीच में निकाल लीजिए और फिर जो फंदे बचे उसका आधा इधर कर लीजिए और आधा इधर कर लीजिए तो ये देखिए ये उल्टी साइड की सिलाई है और यहाँ पर मैंने इसको पैंतीस फंदे यहाँ तक बना लिए हैं पैंतीस फंदे के बाद मैंने मार्कर लगाया है और उसके बाद मैंने ये बारह फंदों की बुनाई की है अब इधर बच गए हमारे पैंतीस फंदे तो इस तरह से आपने अपने फंदों को डिवाइड करना है जब आपकी यहाँ तक की लेंथ पूरी हो जाएगी ज़्यादा फंदे होंगे तब भी वही करना है बारह फंदे यहाँ बीच के रखने हैं जो बचेंगे वो आधे आधे दोनों साइड पे तो पैंतीस फंदे बनाकर एक मार्कर लगा दिया उसके बाद मैंने बारह फंदे बनाए हैं अब उल्टी साइड से बुना है तो यहाँ आ गए हम सीधी साइड पर आप ये प्रोसीजर सीधी सिलाई पर भी कर सकते हो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा अब देखिए इधर हमारे पैंतीस फंदे हैं यहाँ मैंने ये एक मार्कर लगा दिया है अब इधर हम धागा घुमा लेंगे अपनी तरफ और ये जो बारह फंदे हैं इनको हम बुनेंगे ये पैंतीस फंदे हमने ऐसे ही छोड़ दिए हैं ये देखिए ये जो पहला फंदा है ना इसको आप स्लिप कर लीजिए ताकि यहाँ से इसमें ज़्यादा गैप ना बने उसके बाद देखिए एक हो गया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह ये देख लीजिए बारह फंदों के बाद हमारा ये मार्कर आया अब हमें इस मार्कर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐटोमेटिक इसकी पहचान हो जाएगी अब हम तीन फंदे इधर से ऐड करेंगे तो बारह के बाद देखिए एक दो और ये तीन यहीं से हम ऐसे ट्रन कर जाएंगे। दोनों साइड से हमें सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है अब ये जो पहला फंदा है इसको अब हम स्लिप करेंगे नेक्स्ट वाला मार्कर आएगा तब तक हम इनको बुनेंगे तो बारह और तीन हमारे पंद्रह फंदे हो गए हैं दोनों साइड से अब हम इसमें तीन तीन फंदे बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो हमारी घुटने की सेप है वो आ जाएगी ये देखिएगा यहाँ तक के फंदों को बनाने के बाद अब हम इस मार्कर को भी हटा देंगे इस तरह से छेद बन जाएगा यहाँ पर अब हर बार आपको पहचान मिल जाएगी मार्कर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब इधर से भी हम तीन फंदे ऐड करेंगे देखिए एक दो और ये तीन ये तीन फंदे हमने यहाँ पर बना लिए यहीं से हम टर्न कर जाएंगे धागा अपनी तरफ घुमा लेंगे इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और ये देखिए ये पहचान आपको मिलेगी ये देखो ये हो गई है यहाँ पर यहाँ तक के फंदे अब आप बनाइएगा यहाँ पर हमारे एक फंदा हमने स्लिप किया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अट्ठारह ये देखिएगा अब हम तीन फंदे यहाँ से ऐड करेंगे तो ये देखिए एक दो और ये ती, तीन तीन इधर से ऐड हो गए फिर हम यहीं से टर्न कर जाएंगे और ये देखिएगा यहाँ पर ये निशान है यहाँ तक के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे ये देखिएगा यहाँ तक के फंदों की हमने बुनाई कर ली है अब हम तीन फंदे यहाँ से ये ऐड करेंगे एक दो और ये तीन अब हम यहीं से टर्न करेंगे इस फंदे को स्लिप करेंगे और आगे इन फंदों की हम उल्टा उल्टा बुनते हुए बुनाई करेंगे ये देखिएगा यहाँ पर भी आपको इस तरह से ये पहचान मिल जाएगी ये देखिएगा ठीक है यहाँ तक के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लीजिए तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों की बुनाई हो गई अब हम तीन फंदे यहाँ से और ऐड करेंगे एक दो और ये तीन और यहीं से हमें टर्न करना है इस फंदे को स्लिप करना अब हमें ऐसे ही दोनों साइड से तीन तीन फंदे ऐड करते जाना है जब तक यहाँ लास्ट में सात से आठ यहाँ पर भी हमारे लास्ट में सात से आठ फंदे बचते हैं तब तक हम ऐसे ही तीन, तीन तीन फंदे दोनों साइड से ऐड करेंगे तो सात सात या आठ आठ फंदे रहने तक मैं यहाँ तक इनको बुन लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको हमने यहाँ तक बुन लिया है तीन तीन फंदे लेते हुए अब यहाँ पर हमारे देखिए दो चार छ और ये आठ आपके भी जब यहाँ पर सात से आठ फंदे बचे तब तक आप ऐसे ही इनको लेते जाइए नौ फंदे हो तो आप नौ भी रख सकते हैं और इधर भी हमारे ये आठ ही फंदे बचे हुए हैं तो यहाँ हमने लास्ट बार के तीन फंदे लिए हैं अब हम यहीं से इसको टर्न करेंगे और एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और इस सिलाई को अब हम लास्ट तक बुन लेंगे जब लास्ट के हमारे आठ आठ फंदे या नौ या सात इतने फंदे जब बचे होंगे तो उनको हम एक बार में ही यहाँ तक बुन लेंगे यहाँ तक तो हमारे तीन तीन आए हैं अब ये आठ हैं तो यहाँ तक सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ फिर हम आएंगे इसकी उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सिलाई को हम यहाँ तक उल्टा बुन देंगे तो अब मैं इसकी ये दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ इस सिलाई में तो हमारे इधर के ये आठ फंदे आ जाएंगे जब हम दूसरी साइड उल्टी साइड से बुनेंगे तो इधर के हमारे आठ फंदे यहाँ तक बुने जाएंगे तो इसी तरह से आपने करना है तो मैं इन दोनों सिलाइयों को अब कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से हमारे जो आठ आठ फंदे थे वो बुने गए इधर वाली सिलाई पर बुने इधर के अब यहाँ से हमने यहाँ तक सिलाई को लास्ट तक बुन लिया अब हमें इन फंदों को वापस इसी तरह से घटाई पे जाना है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे यहाँ पर आठ फंदे रहने तक हम फंदों की बुनाई करेंगे आठ फंदे हमें यहाँ पर छोड़ने हैं तो आप ऐसे ही धागा अपनी तरफ करके लास्ट में आठ फंदे रहने तक आप इनको बुन लीजिए ये यह देखिएगा यहाँ पर आ गए हैं तीन तीन छ और दो आठ इन फंदों को हम छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे इस बंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट में हमारे आठ फंदे रहने तक सभी फंदों को हम इसी तरीके से बुन लेंगे तो ये देखिए इधर हमारे दो चार छः और ये आठ फंदे बच गए अब यहीं से टर्न करेंगे इस फंदे को स्लिप करेंगे और ये देखिएगा यहाँ पर अब आपका ये छेद बन गया है आप चाहो तो मार्कर लगा लीजिए आप चाहो तो वैसे ही पहचान कर लीजिए अब ये फंदे तो हैं ही इधर से हम चार फंदे छोड़ देंगे ठीक है ये वाले और यहाँ के चार फंदे तो यहाँ तक फंदों के हमें बुनाई करनी है अगर आपको पहचान करने में कोई दिक्कत आती तो आप मार्कर साथ के साथ ऐड कर सकते हो वरना इसकी पहचान वैसे ही मिलेगी ये निशान मिलेगा इसके यहाँ पर हमें चार फंदे छोड़ने हैं तो हम इनको ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा बुन देते हैं तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है ये देखिए इस तरह से पहचान आपको मिलती जाएगी इसके यहाँ आगे हमने चार फंदे छोड़ दिए यहीं से अब हम टर्न करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे अगर आपको पहचान करने में दिक्कत आती हो तो देखिए एक दो तीन और ये चार इस तरह से चार फंदे बना के और आप इस तरीके से मार्कर लगा दीजिए और अगर आपको पहचान करने में आसानी वैसे आसानी होता है आपको पहचान मिल जाएगी तो मार्कर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब इधर से हमें देखिए ये हमारे आठ फंदे इसके इधर हमें चार छोड़ने हैं तो बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे तो ये देख लीजिए बीच के फंदों को मैंने बुन लिया है यहाँ पर भी हमारे देखिए ये निशान है इस निशान से आगे हमने चार फंदे छोड़ दिए हैं यहीं से टर्न करेंगे सेम अब हमें इधर करना है ये जो निशान है इसके यहाँ पर हमें चार फंदे छोड़ने चार बार हमें इधर से चार चार फंदे छोड़ने हैं चार बार इधर से हमें चार चार फंदे छोड़ने फिर हम तीन तीन फंदे छोड़ेंगे बीच में हमें वही बारह फंदे रखने हैं अगर तीन तीन के बाद आपके लास्ट बार की घटाई में तीन तीन नहीं बचते हैं दो दो हैं तो हम दो दो ही छोड़ देंगे और अगर आपके लास्ट बार में ज्यादा फंदे होने पर चार चार बचते हैं तो आप चार चार भी छोड़ सकती हैं ये आपके फंदों के ऊपर होगा सेम फंदों में आपका ऐसे ही चलेगा चार चार बार इधर से हो जाएगा उसके बाद हम तीन तीन का करेंगे और फिर हमारे फंदे हो जाएंगे कम तो फिर हम दो तो दो फंदे छोड़ के लास्ट बार में हमारे यहाँ बारह ही फंदे बीच में बचेंगे जैसे हमने यहाँ बारह फंदे से इसकी स्टार्टिंग की थी तो अब मैं ऐसे ही दोनों तरफ से चार चार फंदे छोड़ूंगी चार बार फिर तीन तीन और ऐसे करके लास्ट तक इसको बुन लेती हूँ फिर ये वाला डिजाइन आपको एडजस्ट करके दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने पहले हमने आठ फंदे छोड़े फिर चार बार हमने चार चार छोड़े उसके बाद देखिए एक दो और ये तीन बार हमने तीन तीन फंदे छोड़े यहाँ पर और फिर ये देखिए दो चार छः आठ दस और ये बारह इधर हमने ये लास्ट बार के तीन फंदे छोड़ दिए अब हम यहीं से टर्न करेंगे यही आपने ध्यान में रखना है जो भी हैं पहले स्टार्टिंग में चार बार चार चार फंदे छोड़िए उसके बाद तीन तीन अगर कुछ और बच्चे तो फिर उनको ऐसे ही कम कर दीजिए और बीच में हमारे ये लास्ट के बारह ही फंदे बचेंगे जैसे हमने यहाँ बारह से स्टार्टिंग की थी अब ये लास्ट बार के हमारे यहाँ पर तीन फंदे हमने छोड़ दिए हैं अब हमने यहीं से टर्न कर लिया धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ लास्ट तक इस सिलाई को हम बुन लेंगे तो उल्टा उल्टा बुनते हुए आप सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए यहाँ पर मेरी ये उल्टी साइड पर सिलाई आई हुई है तो मैंने यहाँ तक के फंदों को तो बना लिया अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड से देखिए ये हमारे यहाँ गैप हो रहे हैं तीन तीन फंदे छोड़े हैं फिर चार चार फंदे छोड़े तो गैप मिलेंगे अब हम सीधी साइड से इस सिलाई को यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन देंगे उसके बाद एक सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुनेंगे फिर आएंगे हम इसकी सीधी साइड पर और सीधी साइड पर हम अपना सेम ये डिजाइन इसमें एडजस्ट करेंगे तो अब ये एक सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की इन सिलाइयों को मैं बुन के कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है एक सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की ये दो सिलाइयाँ अभी हमारी बनी हैं तो अब इसमें हम ये वाला जो डिजाइन है सेम बनाएंगे जैसे हमारा डिजाइन यहाँ पर छूटा अगली बार जो हमारे डायरेक्शन जानी है वो यहाँ पर हमारी एडजस्ट हो जाएगी तो आप नीचे देखिएगा कि आपके फंदे कैसे हैं अब देखिए मेरे यहाँ पर दो फंदे उल्टे हैं और उसके बाद ये सीधा फंदा है तो डिजाइन हमारा इधर आया यानी अब डिजाइन हमारा इधर जाएगा तो यानी यहाँ से जब आप देखोगे ना आपको अपने डिजाइन का उसी टाइम पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा डिजाइन कैसे छूटा है अब हमें यहाँ कैसे बुनना है अब हमारे हैं यहाँ पर 82 फंदे ऊपर करने हैं हमें 88 फंदे छः फंदे हमें इसमें और बढ़ाने हैं तीन हमारे इस साइड से और तीन फंदे हमारे इस साइड से लेकिन पहले हम इसमें सात सलाइयाँ बुनेंगे फिर इसमें हम एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाएंगे फिर हम सात से आठ सलाइयाँ बुनेंगे एक फंदा इधर से एक इधर से फिर हम सात आठ सलाइयाँ बुनेंगे एक फंदा इधर से एक इधर से इस तरीके से अब आगे हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये हमारा 88 फंदे से बना हुआ है तो अब डिजाइन कैसे बनेगा ये देखिएगा यहाँ जैसे हमने छोड़ा था ठीक वैसे ही आप अपने डिजाइन को देखिए नीचे कैसे छूटा है तो ये दो फंदे यहाँ हमारे उल्टे हैं उसके बाद हम धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे देखिए ये सीधा फंदा है इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी यानी ये वाला फंदा हमारा सीधा है तो पीछे से सिलाई डालेंगे इस फंदे को उतारेंगे और यहाँ डाल देंगे इसको लाएंगे और यहाँ पर हम इसे उल्टा बुन देंगे धागा पीछे करेंगे ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब देखिए इस फंदे को हमें पलटना है इसे छोड़कर इसे बैक साइड से सिलाई डालेंगे अगर आपका डिजाइन इधर की साइड आता है तो सेम प्रोसीजर आपका उधर शुरू हो जाएगा क्योंकि ये हमारा इधर गया है अब इधर जाना है हम वही बना रहे हैं तो इस फंदे को छोड़कर अब इसे लेंगे इसे उतारेंगे और यहाँ डाल देंगे ये दो फंदे हमारे यहाँ उल्टे हो गए धागा पीछे एक फंदा ये सीधा। तो ये देख लीजिए हमारा डिजाइन अब इस दिशा में जाना शुरू हो गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक उल्टा बनाया इस फंदे को छोड़कर, इस फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे इसे उतारेंगे यहाँ डाल देंगे इसे पीछे से लाएंगे और यहाँ उल्टा बुन देंगे तो देखिए इस सीधे के और इस सीधे के बीच में दो उल्टे आ गए धागा पीछे एक फंदा सीधा अब सेम तरीके से करते हुए सिलाई को हम लास्ट तक बना देंगे तो ये देखिए इस तरह से डिजाइन को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर हमारे ये तीन फंदे बचे हैं इन तीनों को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे तो यानी डिजाइन हमारा सेट हो चुका है अब ये डिज़ाइन की पहली सिलाई बनी दूसरी सिलाई पर उल्टी साइड से जो इधर सीधे वो इधर उल्टे जो इधर उल्टे वो इधर सीधे फिर दो सिलाइयाँ और बनेंगी हमें ऐसे ही डायरेक्शन चेंज करना फिर हमारा डिजाइन इधर जाएगा क्योंकि ये चार सिलाइयाँ इधर, इधर की चार इधर की चार इधर की चार इधर की ऐसे हैं फंदे जैसे मैंने आपको बताए हैं ऐसे सात सात आठ आठ सिलाइयों के बाद दोनों साइड से फंदे बढ़ाते जाइए तीन इधर से तीन इधर से हमें इस तरह से 88 फंदे इस साइज़ के रखने अगर आप डबल एक्सल साइज़ बना रहे हो तो नाइन्टी के करीब तो आपके यहाँ पर होंगे ऊपर भी आपके इसी तरह से सात छः से आठ फंदे आप ऊपर बढ़ा लीजिए तो ऊपर का साइज़ भी आपका बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा अब आती इस लेंथ की बारी ये लेंथ हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा बना सकते हैं कि हमें पैर में ऊपर तक कितनी लेंथ रखनी है मैंने यहाँ ये जो हमारा घुटने का पार्ट बना है इससे ऊपर ये देखिए पाँच इंच में तो डिज़ाइन बनाया हुआ है और उसके बाद साढ़े तीन इंच का मैंने इसमें बॉर्डर बुना है तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ये लेंथ कितनी रखनी है बॉर्डर की लेंथ कितनी बनानी है बॉर्डर हमने वही बनाया है दो फंदे उल्टे दो सीधे दो उल्टे का तो अब अपने डिजाइन को बनाते हुए तीन तीन फंदे दोनों साइड से बढ़ाऊंगी पाँच इंच यहाँ तक बनाऊंगी फिर यहाँ तक का ये वाला पार्ट बुन के फिर ये हमने जाली इसमें कैसे डाली है ये वाली ये आपको बताती हूँ जाली बनाना तो मैं यहाँ तक का पार्ट इसका तैयार कर लेती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने इस तरह से ये वाली लेंथ पूरी करने के बाद अपना ये दो इंच का बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है मेरे पास यहाँ पर अब एटी एट यानी अट्ठासी फंदे हैं अब इसमें देखिए ये जो हमने यहाँ पर इलास्टिक डाली हुई है इसके लिए हम जाली बनाएंगे क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से पार्ट हमारा लूज ना रहे पैर में ये नीचे ना खिसके इसके लिए हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे तो इलास्टिक डालने के लिए अब हमें यहाँ पर जाली बनानी है तो देखिए जाली कैसे बनाएंगे इस तरीके से ये जो हमारे स्टार्टिंग के फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे देखिए ये दो फंदे हमने उल्टे वाले थे इधर से ये बुन लिए अगले दो फंदे सीधे हैं तो इनको भी हम बना लेंगे अब हमें जाली बनानी है ये जो उल्टे फंदे हैं इन पर तो देखिए धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाइएगा ज़्यादा खींच कर धागे को मत मतलब लपेटिए नॉर्मल करिएगा फिर ये जो दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं इन दो का हम एक फंदा बना देंगे फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे जो हमारे सीधे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे लपेट कर एक जाली बनाएंगे ये जो दो फंदे उल्टे हैं इन दो का हम एक कर देंगे फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे ये जो दो उल्टे फंदे हैं इन दो का एक करेंगे पूरी सिलाई में अब आप ऐसे ही जाली बनाते जाइए और सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए इस तरह से हमने लास्ट तक बना लिया है लपेट कर जाली बनाते गए हैं और जो दो उल्टे इकट्ठे हैं उन दो का हमने एक किया है और जो सीधे वाले हैं उनको हमने बुना है तो पूरे स्वे इसमें हमारे जाली आ गई है पूरी सिलाई में अब आज ये उल्टी साइड पर देखिए उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखाई देंगे हमें वैसे ही बनाने हैं अभी हमें इससे ऊपर लगभग ये एक इंच से ज़्यादा सवा से डेढ़ इंच का बॉर्डर हमें तैयार करना है लगभग डेढ़ इंच हो जाए तो ठीक रहेगा तो डेढ़ इंच के करीब अभी हमें बॉर्डर और तैयार करना है बनाना ठीक वही है जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनना है जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनना है देखिए एक और ये जाली वाला हमने सीधा बुना तो ये दो सीधे आ गए फिर धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे तो अब मैं ये इतना ही बॉर्डर इसका और तैयार कर लेती हूँ फिर आपको ये फंदे बंद करके दिखाऊंगी क्योंकि ये फंदे बंद करना या तो हम सुई से करें या बिल्कुल हमें लूज हाथ से करना तो थोड़ा ये मैं आपको फंदे बंद करके दिखाऊंगी ताकि ये जो किनारी है ये हमारी बिल्कुल लूज बने तो मैं इस बॉर्डर को एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये लगभग मैंने डेढ़ इंच यहाँ से और यहाँ तक इसको बना लिया है अब इन फंदों को हम पाइंड ऑफ करेंगे और फंदे हम इसके उल्टी साइड से बंद करेंगे ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है अब देखिए अगर आप ये फंदे सुई से बंद करना चाहो तो मैंने सुई से गला बंद करना मुड्ढे की जो है हम बंद करते हैं वो मैंने वीडियो डाली हुई है सेम तरीके से यहाँ पर सुई से आप बंद कर सकते हो और अगर आप करना चाहते हो सिलाइयों से बंद तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ से दो फंदे का एक फंदा कीजिए इस फंदे को आप लूज रखिएगा ज़्यादा लूज रखना है आपने और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कीजिए फिर से इस फंदे को आप देखिए इतना लंबा रखिएगा और नेक्स्ट फंदे के साथ में आप दो का एक कर दीजिए फिर से इस फंदे को इतना लूज रखिएगा इतना बड़ा फंदा रखिए फिर नेक्स्ट फंदे के साथ आप दो का एक कीजिए फिर से इस फंदे को आप इतना बड़ा रखिए और अगले फंदे के साथ दो का एक कीजिए फिर से इसको इतना लंबा रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कीजिए इस तरीके से आपने इन फंदों को बंद करना है अगर थोड़ा सा भी ये फंदा आपने टाइट किया तो फिर ये जो किनारी है ये बहुत टाइट हो जाएगी और ऊपर पैर में ये बहुत चुभेगी फिर इसको पहनना मुश्किल हो जाएगा इसलिए आपने इतने बड़े बड़े फंदे रखने हैं और नेक्स्ट फंदे के साथ बिल्कुल लूज हाथ से खींचना नहीं है ज़रा सा भी ऐसे आप दो का एक कर दीजिए फिर से इसको इतना लंबा रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करते हुए इन सभी फंदों को आप बंद कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल बने तो ये देखिए फ्रेंड्स सभी फंदों को मैंने बंद कर दिया है और बिल्कुल स्ट्रेचिबल हमारा ये यहाँ से बाइंड ऑफ हुआ है अब ये जो लास्ट का फंदा है इसके बीच में से उनको निकाल कर टाइट कर देंगे उसके बाद इसको हम ऐसे उल्टा करके देखिए कुछ धागा हमारा इधर से हो जाएगा कुछ इधर से हो जाएगा तो आधी सिलाई हम इस वाले धागे से निपटा लेंगे और आधी इससे बिल्कुल ये वाली जो है ऐसे बारिक बारिक टाँके लगाते हुए यहाँ तक आप इसकी सिलाई कीजिए फिर इसमें हम लास्टिक डालेंगे तो ये देखिए इसकी सिलाई मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करनी है बिल्कुल बारिक बारिक यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सील लिया है कैसे सीला है ये देखिएगा इस तरीके से इसको पकड़ लेना है अंदर की तरफ से और ये देखिए नीचे से ये एक फंदा उठाया एक हमने इधर से उठाया ठीक है ऐसे आपने करते जाना है एक एक फंदा हम दोनों साइड से उठा लेंगे एक बार ऐसे डाल देंगे एक बार इधर वाली साइड से डाल देंगे फिर हम यहाँ नीचे से एक फंदा ऐसे ले लेंगे ऐसे जब आप सिलाई करोगे तो ये आपके जो डिजाइन हैं ये आपस में ऐसे मिल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि हमने जो इसकी सिलाई की है वो कहाँ से की है एक फंदा इधर का उठा लिया ऐसे सील दिया फिर एक इधर से उठा के सील दिया फिर एक हमने इधर से ले कर दिया और यहाँ ऐसे करके इसको सील दिया इसको ऐसे करते जाएंगे और आगे आगे सीलते जाएंगे ये धागा ख़त्म हो जाएगा तो दूसरी साइड से सिलाई कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई इसकी हमारी हो गई है और सिलाई करने के बाद आप देख सकते हो इसमें जो हमारा जोड़ आया है ऐसे सिलाई करने से वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है अब देखिएगा हमारा जो है बहुत ही सुंदर सा लेग मार बार का जो पेयर है वो बनके तैयार हो गया अब इसमें हमें लास्टिक डालनी है तो लास्टिक आप इस तरह से ये वाली लीजिएगा ये चौड़ी नहीं होती है और बढ़िया वाली लेके आइएगा जो ज़्यादा हल्के वाली होती है वो बहुत जल्दी लूज हो जाती है तो ये देखिएगा इसका जो हमें नाप लेना है लास्टिक का जिस किसी ले के बना रहे हो ना ये वाला जो हिस्सा हो देखिए हमने यहाँ तक बनाया है इसको ये जब हम इसको पहनेंगे तो इस हिस्से तक ये हमारा आएगा तो जिसके लिए बना रहे हो लास्टिक लगभग या तो इंची टेप से नाप लीजिए फिर इंची टेप से लास्टिक को खींच के नापिए ऐसे इस लास्टिक को खींच के और इंची टेप से अगर नाप लिया हो तो ऐसे नाप लीजिएगा ठीक है ये मैंने पैर के हिसाब से नाप लिया है और अगर मैं इसकी लेंथ बताऊँ इस लास्टिक की तो ये जो लास्टिक है वो मैंने देखिएगा ये हमारी ये देखिएगा लगभग दस इंच है दस इंच थोड़ी बहुत कम है ज़्यादा नहीं है लेकिन दस इंच से ज़्यादा तो चलेगी नहीं इसमें अब इस लास्टिक को हम यहाँ से डालना शुरू करेंगे तो ये देखिएगा एक बार यहाँ नीचे से डाल देंगे फिर इसको हम ऐसे ऊपर निकाल देंगे फिर इसमें से नीचे डालेंगे फिर ऐसे ऊपर निकालेंगे ऐसे चारों तरफ से इसको डाल देंगे ये देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस लास्टिक को यहाँ पर डाल दिया है दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर आ गए देखिए अगर आप इसको ऐसे ही यहाँ पर सिल दोगे ना तो ऐसे खींचने पर ये आपका नीचे से काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए आपने क्या करना है ये देखिए एक छेद में लास्ट वाले में दोनों को निकाल देना है ठीक है दोनों को निकालने के बाद इतना इस लास्टिक को छोड़ दीजिएगा देखिएगा इतना ठीक है और इसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दीजिएगा और इतना पार्ट इस प्लास्टिक का यहां पर सील दीजिएगा एक बार फिर से देखिएगा दोनों एक छेद में से निकले इसे थोड़ा सा लंबा कीजिएगा और ये जो हिस्सा है इस हिस्से के ऊपर इसको ऐसे चढ़ा दीजिएगा और इतने हिस्से को आप अब सील दीजिएगा तो बारीक वाली जो है सुई ले लीजिए बारीक आप धागा ले लीजिए इस तरह से और यहाँ पर इसमें आप टाँके लगाते बिल्कुल पक्की सिलाई करनी है आपने इतने पार्ट की ठीक है ये इतना पार्ट आपने छोड़ देना है तो मैं इस पार्ट की जो है पक्का काम इसका कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हमने यहाँ से इसका सील दिया है ठीक है ये इतना पार्ट हमने पक्का कर दिया अब ये जो इसका टुकड़ा बचा है ऊपर इस वाले के ऊपर से ऐसे आप इसको नीचे निकाल दीजिए ठीक है और ऐसे नीचे लाकर और इस वाले पार्ट के साथ आप इसकी सिलाई यहाँ पर कर दीजिए इसको नीचे हमने निकाल लिया और अब यहाँ पर इसकी आप बिल्कुल पक्की सी सिलाई कर दीजिए तो मैं इसे यहाँ पर अब सील देती हूँ क्योंकि ये एक ऊपर वाला सिरा हो गया और नीचे वाली रबड़ के साथ इसकी सिलाई करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये लास्टिक यहाँ पर इसमें ढल गई है ठीक है आपने इसी तरह से इसमें लास्टिक डालनी है तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा ये लेग वार्मर का पेयर बनके तैयार हो गया है अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड्स अगर आपको ये लेग वार्मर्स का पेयर पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और इसे बनाने में मैंने 200 ग्राम ऊन ली थी 200 ग्राम ऊन में से ये थोड़ी सी ऊन हमारी बच गई है तो आप कम से कम 200 ग्राम ऊन लेके रखें तो आपकी जो है ऊन कम नहीं पड़ेगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद